जी हाँ, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्हें लोग बहुत प्यार करते हैं, और जब ये कम कपड़े पहन के फोटो खिंचवाती है तो कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। मैंने खुद इनके लाइफ साइज पोस्टर्स अपने घर के हर रूम और बाथरूम में लगाए हुए हैं। हर जिम ये इतना जाती हैं कि हर जिम ओनर ने इनको एक अपना कमरा बना के दिया है जिसके ऊपर सितारा लगा के सोनिया हुसैन लिखा हुआ है। अक्सर ये वहीं रहती हैं, इस वजह से ये शूट पे नहीं आती। इनकी ईद पे एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है आज़ाद, लेकिन आज मैंने इनको अपने प्यार के जादू में कर लिया है कैद, आज़ाद का ऑपोजिट कैद। हाँ, ये मिलते हैं वॉशिंग पाउडर निर्मा की पहले इश्तेहार में आने वाली द न्यू एंड इम्प्रूव्ड सोनिया हुसैन। सोनिया, ये बताएं कि फिल्म आज़ाद में आपने टाइट कपड़े पहन के भागने के अलावा और क्या क्या किया? अल्लाह, मेरी डिमांड नहीं थी, वो डायरेक्टर की डिमांड थी। मैं जरा सा भी लूज कपड़े पहनती हूँ, डायरेक्टर को समझ नहीं आता, कहते नहीं 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 आप ये नहीं, आप थोड़ा सा तो डायरेक्टर ठरकी है इसका मतलब। अब उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। नहीं तो ये बताए सोनिया कि लाइफ में आपने कब फैसला किया कि आपको 75% कपड़े अब कम कर देने चाहिए? तो भाई ये कैसा, ये हमारे बच्चे रिसर्च करते हैं। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, अब फोटोशूट की डिमांड कभी होती है तो मुझे कोई शौक नहीं। मैंने वैसे देखा कि आपको मेरे ही इंटरव्यू में इतने फुल कपड़े ऊपर यहाँ तक पहन के आने की जरूरत नहीं थी। सोनिया, हमने सुना है कि आप मशहूर हैं सेट पे लेट आने पे, इस पे कोई दो राय नहीं है, तो खुद मानती हैं। अपने विकिपीडिया पेज पे लिखा हुआ है कि मुझे हायर करने से पहले प्लीज नो दैट आई कम 6 to 10 hours लेट ऑन सेट। लेकिन इसके अलावा हम सुना है आप पार्टियों पे 6 to 10 hours, ये कुछ ज्यादा हो गया, ये बहुत एग्जैजरेट कर रहे हैं आप। जो कितना है वैसा सब में? हाफ एन आवर, इसका हाफ कर ले, 6 to 10 का हाफ कह रही है सोनिया। हाँ, सेट के अलावा हमने सुना है कि ये पार्टियों पे भी इतना लेट एंट्री मारती हैं कि एंड में 2-4 लोग ही रह जाते हैं, टीपू शरीफ टाइप का। टीपू शरीफ। सोनिया, ये बताएं कि 5 साल पहले वाली सोनिया और आज की सोनिया में क्या फर्क है गुलबदन होने के अलावा? वेट कम हो गया थोड़ा सा। हाँ, निकाह के जमाने से अब में थोड़ा सा वेट कम, इसलिए मैंने खुद गुलबदन कह दिया। गुलबदन, गुलबदन आपको नहीं पता क्या होता है? स्लिम, गूगल कीजिएगा आप। उर्दू आपकी कमज़ोर है, मैं देख रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि शादी के बाद लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, क्योंकि आप सिमरन की तरह रोज ही कहीं ना कहीं निकली हुई होती हैं, कभी टर्की, कभी इंग्लैंड, कभी वेगस? वेगस नहीं, आई डोंट थिंक सो। हाँ, ये बोरिंग नहीं, जाहिर सी बात है, अगर बच्चे हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो भी लाइफ का पार्ट होता है, तो मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको पहले कर लेनी चाहिए, और फिर शादी के बाद ये नहीं कहना चाहिए वो हमने तो ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, तो आपको हर चीज़ के लिए टाइम फिक्स रखना चाहिए। ओके, हमें ये समझ आया इस बात से कि सोनिया जो पॉसिबली हरामीपन हो सकता था वो पहले करना चाहती है शादी से, ताकि उसके बाद कुछ रह ही ना जाए करने को, तो कह के ठीक है जो आप बोलने चलते हैं रेस्टोरेंट खाने के लिए, ठीक बच्चे पैदा करने कर लेते हैं। ये सही, हाँ, शुड बी लाइक दैट। ठीक, सुनिए ये बताएं कि आप इतनी ट्रिप्स पे क्यों जाती हैं? क्या आप अशरफियों की स्मगलर हैं, या अयान अली की तरह मनी लॉन्ड करती हैं? सोनिया, हम आपके साथ खेलते हैं ट्रू और फॉल्स, क्योंकि और तो हम आपके साथ कोई खेल नहीं सकते। तैयार हैं आप? तैयार। फिल्म आज़ादी के शूट पे मोमर राना ने मुझे वैनिटी वैन में घुसने नहीं दिया और कहा कि ये सिर्फ बड़े स्टार्स के लिए होती है, ट्रू और मैंने पहले कह दिया था मेरा कैंप अलग होना चाहिए। कैंप लगाया था आपका? टेंट कैंप लगते हैं ना, क्योंकि हम माउंटेन पे शूट कर रहे थे, तो वहाँ जो हिली एरियाज जहाँ ऊपर जाते हैं वहाँ वैनिटी वैन नहीं जा सकते। उस कैंप में कोई और नहीं घुस सकता? कोई और नहीं अलाउड। अच्छा, तो ये तो बनता ही नहीं कि मैं जाऊँ किसी और। तो फॉल्स। ठीक, जब मैं पहली बार फैशनेबल कपड़े मैंने पहने तो सोशल मीडिया ने लोगों ने बहुत प्यार दिया, बट कुछ लोगों ने तो जूतों को हार दिया। ट्रू। जब मैं जिम में वर्कआउट करती हूँ तो मुझे सब पता होता है कि कौन मुझे चेकआउट कर रहा है, और मैं फिर अकॉर्डिंगली अपनी एक्सरसाइजेस प्लान करती हूँ। फॉल्स, क्योंकि मैं सेपरेटली करती हूँ वर्कआउट, मेरा अलग रूम। सब कुछ आप सेपरेटली करती हैं यार, आपको चांद पे प्लॉट लेना चाहिए। यहाँ से नमाज होता है बाहर, इसलिए मैं अंदर करती हूँ। यहाँ से नमाज होता है? मेरे अंदर जितना सामान लगा हुआ है वो असली है। ऑब्वियसली। अब हम चलते हैं अपने एक्सट्रीमली ओरिजिनल सेगमेंट की तरफ। जो पहला लफ्ज आपके दिमाग में आए जो मैं बोलूंगा वो आपने मेरे मुंह पे मार देना। ओके, तैयार हैं? या क्लब एम ट्रेनर्स। अवार्ड फंक्शंस। लॉबी सिस्टम। आइटम नंबर्स। मस्ट। कीटो डाइट। फैसल कुरैशी। गे लॉर्ड्स। व्हाट्स दैट? गे पीपल। ओ, गे लॉर्ड। ओह माय गॉड। जो गे नॉर्मल होते हैं और फिर गे लॉर्ड्स होते हैं। फैशन इंडस्ट्री। यासर हुसैन। मेरा भाई।
Best friend. Yes, sir. Azadi. Mumi Jaan. Pakistani cinema. Growing. Moor. Best film of my life. Tea ke coffee. Coffee, black coffee. London ke Dubai. London for sure. Mirasim ke Jarasim. Jarasim. Ye dono drama aapke the na? Nahin, Jarasim koi drama nahi. Jarasim nahi. Mirasim. Acha, hamari research ne bataya ke. जरासीम कौन सा ड्रामा हो सकता है उसमें जरासीम का कैरेक्टर मुनीब भट्ट ने प्ले किया था वो आपका नहीं था वो मुनीब भट्ट जामी के मलिक साहब ये तो कोई सवाल नहीं जिसकी फिल्म आ रही होती है उसका नाम लेते हैं नहीं बोल मलिक साहब गुड आंसर वेरी गुड कुत्ता के बिल्ली कुत्ता टीवी के फिल्म फिल्म लूडो के कैरम कैरम अदनान सिद्दीकी के हुमायूं सईद अदनान सिद्दीकी फॉर श्योर आपने एक और चीज़ की जिसका नाम था कितनी गिरे बाकी हैं जी बिल्कुल वो याद है आपको जी जी काफ़ी एपिसोड्स किए उसके तो ये बताएं कि एंजेलिन मलिक के बालों में अभी कितनी गिरे और बाकी हैं काउंटलेस कभी नहीं गिन सकते कभी ये बताएं सोनिया कि ड्रामा सीरियल ऐसी तन्हाई में एक टीज़र बड़ा ज़बरदस्त आया था जिसमें लोग आपको टमाटर अंडर अंडर मार रहे थे उसमें तो एक टमाटर मेरी आंख पे आके लगा था मेरी आंख फूट गई थी एक घंटे तक सिकाई करते रहे अच्छा 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 तो ये नहीं पता चला हमें कि वो ऐसी क्या हरकत आपने की थी वो वीडियो वो मैंने ना नेकेड पिक्चर्स ली थी आपको लगा मैं बोलूंगी नहीं वो नेकेड पिक्चर्स ली थी वो लीक हो जाती वो कहाँ पिक्चर्स अभी किसके हम टीवी किसके ड्रामा से डॉक्टर अली फहद मुस्तफा उनके पास अभी रखी हुई होंगी लेते थोड़ी है ये बताएं जब शादीशुदा लोग आप पे लाइनें मारते हैं प्रोड्यूसर ज्यादातर शादीशुदा ही क्यों मारते हैं मुझे ये गुस्सा आता है ज्यादातर शादीशुदा होते हैं ऑब्वियस रीजन नहीं है 90% शादीशुदा ऑब्वियस रीजन नहीं है जो इंटरव्यू के शुरू में मैंने आपको बताई कि शादी के बाद तो फिर सब ऐसे ही हो जाते हैं ना क्या नहीं मेरी किस्मत खराब है मैं जब मैट्रिक में थी ना तब से कभी टीचर कभी प्रोफेसर कभी कॉलेज के ओनर मतलब शादीशुदा ही क्यों व्हाई उनको अपनी बेगमों में छोटे लड़के ये नजर आता होगा ना उनको ये वजह होती होगी तो जब वो मैसेज करते हैं कि सोनिया हाउ अबाउट सम कॉफी टाइप सीन तो आप क्या जवाब देती हैं लेट्स गो हैं हाँ जब आप बाहर जाती हैं ट्रिप्स पे और कहीं पब्लिक प्लेस पे जाएं क्लब्स या रेस्टोरेंट पे और कोई लड़का आप पे पहली लाइन क्या आके मारता है पहली कोई यादगार लाइन आपको याद यू हैव गॉट सच अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन कॉम्प्लेक्शन या दे लाइक डार्क कॉम्प्लेक्शन यूजुअली आप उनको क्रीम निकाल के दे दिया करें अच्छा भाई ये लड़कियों को फंसाने का सबसे बुरा तरीका है क्योंकि मैं बहुत क्रीमें पास कर चुका हूँ लड़कियों को तो कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं होता इसके अंदर कुछ और ऐसी बात नहीं उनको कॉम्प्लेक्शन पसंद आता है बाहर यूजुअली हमारे यहाँ तो बड़ा रिवाज है ना गोरी गोरी पेसेस तो जब वो पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम तो आप क्या कहते हैं अर्जेंटीना पाकिस्तान फॉर श्योर आई एम एन एशियन फिर तो भाग जाते होंगे फौरन कोई नहीं वो इतना ख्वार होता है ना लड़कियों पे यू हैव नो आइडिया कभी चलेंगे साथ घूमने के लिए तो दिखाऊंगी मैं आपको कब कब मैं ईद के फौरन बाद छुट्टियों में फ्री हूँ चले तीनों चलते हैं तीन में कौन इस राउंड का नाम है जजमेंटल राउंड जजमेंटल वो तो मैंने छोड़ दिया है जिसमें हम आपको दबा के जज करेंगे अच्छा आप करेंगे हाँ फर्ज करें मैं सोशल मीडिया हूँ सफारी सूट और मूछ दाढ़ी में और मैं जज करने बैठा हूँ रेडी हैं क्या आप सिगरेट पीती हैं नो क्या आप रणबीर कपूर को जानती हैं यस कभी आपने कभी किसी और हीरोइन का रोल कटाया है या कम करवाया है नो किसको निकालें वरना मैं आपका नहीं करूँगी सीरियल हीरोइन का एक वक्त में एक ही हीरोइन होती है हाँ ये हो सकता है कि एक्टर के लिए हाँ एक्टर के लिए किया है कभी क्या आपने रेस्टोरेंट में कभी वेटर की टिप मारी है कि ना दियो देख ले नहीं नहीं नेवर क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया के बगैर ज़िंदगी झंड है ज़िंदगी सुकून में क्या आप भी फिल्म करने के बाद जो आपकी फिल्म दूसरी आ रही है लोगों को दो टके का समझेंगी अल्लाह ना करे लोग करते हैं ना ऐसा हाँ नहीं नहीं कभी भी नहीं सोनिया इनमें से कौन सा गाना आपको सही तरह सही मानों में डिफाइन करता है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए हरकट जवानी चिकनी चमेली पौवा चढ़ा के आई या फिर जवानी फिर नहीं आ रही चिकनी चमेली पौवा चढ़ा के क्योंकि बाय बर्थ मैं एक कोरियोग्राफर हूँ बचपन अच्छा। से तो मैंने आपके लिए गाना निकाला जो आप पे बहुत सूट करता है तो आप मेरे साथ करेंगी जी आपने रिपीट करना है जो मैं करूँगा आपने करना रेडी है ओके बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए ना तो
वेरी गुड सोनिया, थैंक यू वेरी मच सोनिया। अगर आप बाहर जाएं और आपको क्लब में मुझ जैसा हसीन गुरबदन आदमी मिले और आपको पसंद ही आ जाए, तो आप उसको किस तरह उसको आप पिकअप करने की कोशिश करेंगी? फर्ज करें मैं क्लब में खड़ा हूँ। Excuse me. Why? Will you dance with me? Hi, this is Sonia Hussain, and if you like this interview, please like, subscribe, and comment. Thank you.